के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सजनौर थाना क्षेत्र के भक्सा में डबल मर्डर से मची सनसनी, एसएसपी ने कहा जल्द होगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। सपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में सपा और बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सदर सांसद के पक्ष में दिया एक दिवसीय धरना। 2 हेक्टेयर तक की खेती की भूमि उठा सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, मिलेंगे 6,000 सालाना। डीएम ने कहा पात्र लाभार्थी किसान कर सकते हैं आवेदन। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण रैली का किया गया आयोजन, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राजकीय रेलवे पुलिस के आईजी ने जीआरपी कार्यालय पुलिस लाइन तथा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के थाना का किया रूटीन निरीक्षण, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश, कहा जीआरपी गोरखपुर का काम रहा है सराहनीय, अपराध व जहरपुरानी पर लगा है अंकुश। नगर निगम के हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को देश में 226वां तथा प्रदेश में 28वां स्थान मिलने पर नगर आयुक्त ने जनता और निगम कर्मियों का जताया आभार, कहा थोड़ी सी मेहनत से मिल सकती है प्रथम स्थान, जनता दे सफाई पर ध्यान। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कैंप लगाकर मतदाताओं को दी गई ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा मतदाता को किया जा रहा है जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, औरत नामा नामक पुस्तक का किया गया विमोचन। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न, लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पक्की करने पर भी चर्चा। फर्टिलाइजर में नगर विधायक ने किया 132 kVA विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास, कहा उपकेंद्र के निर्माण से क्षेत्र वासियों को मिलेगी निर्बाध बिजली, लोकल फॉल्ट से मिलेगी मुक्ति। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का शिक्षकों ने किया बहिष्कार, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक बहिष्कार को बाध्य रहेंगे शिक्षक। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूक अभियान का 3 दिवसीय किया गया आयोजन, लोगों के सहयोग से मलिन बस्तियों और विद्यालयों में लगाई जाएंगी मशीनें।